भगवान दादाजी की आत्मा को स्वर्ग में शांति दे। हमारे दादाजी खत्म हो गए हैं, तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। यहाँ की बात करें, यहाँ हमारी दादी जी बैठ रखी हैं, कीर्तन करने की तैयारी भी हो चुकी है। इधर अभी कुछ महिलाएं आई हैं और इतना सारा सामान ले जाना है हमें ऊपर। जी हम अपने बदले का सामान ले जाते हैं। ये देखो भाई, देवता भी आ गया। देख लो भाई, ये भी कीर्तन में है तुम यो। हाँ कीर्तन है कान बाबू। लगभग काम पूरा हो गया है, बस टेल्स का काम बाकी है। इन दोनों की जोड़ी जय भीरो। दादी खिला रही है मुझे पोलो, ऐसी दादी का मिला। राधे राधे, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश्वर और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव बदाणी ताल से। तो चलिए जी आपसे करने कुछ बात, तो करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है मेरे घर से और मेरे गांव बदाणी ताल से। अभी मौसम की बात करें तो काफी अच्छा मौसम है और सूर्यदेव भी मस्त करके चमक रहे हैं और आज आसमान में हल्के हल्के बादल देखने को भी मिल रहे हैं भाई। और घर की बात करें, घर में ये सफाई कर रहा, थोड़ा बहुत मैंने भी सफाई कर ली। मैं अभी चलता हूँ परखुली में, क्योंकि वहाँ देखते हैं वहाँ कुछ काम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कल दीपक भाई की मेहंदी है तो वहाँ जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव में रहना है तो काम तो करना ही है जी। अभी मैं पहुँच चुका हूँ परखुली में और यहाँ लगता है आज पतंग चांदनी वगैरह लग रही है। ये देख लो भाई, सभी लोग पतंग और चांदनी लगा रहे हैं। इधर भाई लोग तो दिख नहीं रहे, बस बड़े बड़े हैं आज। देख लो भाई, पतंग तो हल्की फुल्की लगा दी है और अब लगा रहे हैं यहाँ बढ़िया ढंग से चांदनी। तो यहाँ चांदनी पतंग वगैरह लग रही है। तो वैसे तो हमारे यहाँ मेहंदी रात के दिन लगती थी, पर महिला मंगल दल ने रूल चेंज कर दिया है। अब मेहंदी रात से एक दिन पहले यहाँ चांदनी लगेगी और पहले कीर्तन भी मेहंदी रात ही को होता था, पर अब ऐसा नहीं है, अब कीर्तन भी मेहंदी रात के एक दिन पहले होगा भाई। देख लो अभी यहाँ थोड़ी देर बाद यानी कि शाम को कीर्तन होगा, तभी ये चांदनी पतंग वगैरह लगाए जा रहे हैं। यहाँ का काम तो होता रहेगा, मैं तब तक घर जाता हूँ और नाश्ता करके आता हूँ। तो चलिए जी, नाश्ता भी हो गया है और मैं थोड़ा चलता हूँ अब तालाब की ओर, देखते हैं। ये देख लो भाई, अभी मैं पहुंच चुका हूँ तालाब में और अभी यहाँ लगता है आज कोई नहीं है। इधर है भाई चाचा जी और उनका लड़का। ओए अपनो बोल, क्या तेनो हैं? माय नेम सौर्या पवार। क्या है तेरा नाम? तालाब में तो कोई नहीं है और चाचा जी मैं जा रहे हैं जगतोली ढाबा में। चल ये भाई, अभी हम पहुंच चुके हैं जगतोली ढाबा में और मेरे साथ है हमारा भुला तुम्हें क्या जी है? प्रदीप चाचा जी का लड़का है, अपना नाम नहीं बता रहा भाई। अंकित क्या तो कौन? ये भाई दाल फ्राई कर रहा है, ये देख लो जी। कुरकुरा खा दिन ले। तो चलिए जी, ढाबा से हम सीधे चलते हैं फिर से तालाब में। दोस्तों मैं तालाब में जा ही रहा था तभी खबर आई कि हमारे दादाजी खत्म हो गए हैं, तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अभी मैं नीचे ढाबा में गया था तो मैंने सामने पे दिखा था उनको और अचानक ही पता नहीं क्या हो गया ये। तो जिंदगी का वही है, कोई भरोसा नहीं है, क्या करे।
दादाजी की आत्मा को स्वर्ग में शांति दे। क्या करें ले जी, मैं भी वहां से ऊपर आ गया हूँ, मुझसे भी देखा नहीं जा रहा भाई। तो क्या करें भाई, होता है अभी खुशी का माहौल दुख के माहौल में बदल गया, क्या करें ले जी। अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर पर, तुम देख लो अभी मौसम ठीक था और एकदम आसमान में पूरे काले काले बादल छा गए हैं और काफी ठंडा हो गया अभी। फिर से लगता है फिर से अगर ऐसा ही रहा तो फिर से बारिश या बर्फबारी हो सकती है गांव में। चलिए जी, यहाँ की बात करें तो यहाँ आज माँ बना रही है चौंसा और इधर भैया जी बैठ रखे हैं दोखा पहन के। तो चलिए भाई, माँ ने चौंसा भात भी बना दिया है, ये देख सकते हैं आप। और इधर है भैया आज दही, ब्योर से दो अभी चल गई नहीं क्या करें इंसान। जी हम भी खाना खा लेते हैं और मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। तो चलिए जी, मेरा खाना भी हो गया है और मैं चलता हूँ। बात करें, यहाँ सोनाक्षी भी आ गई स्कूल से और पता नहीं क्या पढ़ रही है। सोनाक्षी के साथ है इंदु। इन एरबल क्या तुम बैठा काम का ना के को तो ये इंग्लिश का काम कर रहे हैं भैया, तो बढ़िया करो। मैं चलता हूँ भाई इंग्लिश का काम और मैं चलता हूँ थोड़ा गांव की तरफ। मैं पहुंच चुका हूँ परकोली में, मेरे साथ है मेरी मौसी, पीछे ताऊ जी, इधर है अजय भाई, दीपक भाई। अभी यहाँ कीर्तन होगा ना, तो अभी यहाँ कीर्तन होगा भैया आज। यहाँ की बात करें, ये लारा वेक्टर्स कैसे से चल, बढ़िया। चलिए जी, अभी मैं पहुंच चुका हूँ पंचायती चौक में और यहाँ देख सकते हैं इधर मेरी दादी जी। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि कल दादी कापला काट रही थी। और इधर आ गई भी हमारी भाभी जी, इधर है की भाभी। तो आज कीर्तन है तो सब तो आज है कीर्तन में जा रहे सब। जी है चाची की फोटो खींचनी है, इधर देख भाई। चल की बात करें, यहाँ हमारी दादी जी बैठ रखी है और कल दादी की तबीयत खराब थी। आखिर तबीयत ठीक से, कीर्तन करने की तैयारी भी हो चुकी है। इधर अभी कुछ महिलाएं आई हैं और कुछ महिलाएं नहीं आई हैं। इधर कोई सेल्फी ले रही भाई, ये देख लो, यहाँ सब पर लग रही भाई पिठाई एक एक करके। हम आ चुके हैं भाई रोड में, यहाँ आ रखा है दीपक भाई और अजय का सामान, ये देख सकते हैं आप। शादी का काफी सारा सामान आ रखा है, इतना सारा सामान ले जाना है हमें ऊपर। जी हम अपने बदले का सामान ले जाते हैं, बाकी ये लाते रहेंगे भाई। तो काफी भारी हो रही है। मेरे पास है गुड़ की पेटी, ओए आओ जल्दी। बस। देख लो भाई ये भी ला रही है सामान, काफी भारी है आटे का कट्टा। चलिए जी इधर ये भी पहुंच गए। हेलो भाई, बढ़िया। कौन गाड़ी जाने लगा बोलेगा। तो भाई अभी सभी लोग आ गए यहाँ पर, अच्छा कीर्तन हो रहा। अभी सभी भाई लोग आ गए हैं और अब ये ले जाएंगे बाकी का सामान। सारा सामान पहुंच चुका है भंडारे में, अब हम चलते हैं। ये देखो भाई देवता भी आ गया। छत में और छत में इधर मामा जी ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। इधर सामने हमारा ड्रोन है, तो देखते हैं ड्रोन आज कहाँ तक उड़ाते हैं। तो अभी तो ड्रोन सामने है, नीचे देख लो भाई छोटे छोटे बच्चे ड्रोन को हाँ हाँ कर रहे हैं। बाकी दोस्तों अब सबको चाय पिलाई जा रही है जी, कीर्तन तो हो ही रहा है और कीर्तन के साथ साथ सबको चाय ऑफर हो रही है।
तो बाकी भाई इधर देवता के लिए बीड़ी जा रही है, हैं? यंकन जी हमारा कीर्तन भी हो चुका है समाप्त और इसके बाद होगी भाई आरती। देख लो भाई ये भी है कीर्तन भाई है तुम यो हाँ। कीर्तन है कान बाबू सिहारे जय जगदीश सिहारे करे तो यहाँ भाई क्या करना तुम कह यार मस्त तो कुछ नहीं करना कुछ कर रहा तुम हाँ इन दोनों की जोड़ी जय वीरो भैया चाचा जी आजकल लगे हैं काम पर इधर काम चल रहा है आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा इधर काम चल रहा था और काम पूरा लगभग काम पूरा हो गया है बस टेरेस का काम बाकी है और इधर चाची जी भी घर आ गई तबीयत ठीक है बढ़िया लगे यहाँ सब यहाँ का काम तो होता रहेगा मैं चलता हूँ हाँ जी इधर है भाई हमारे बीजी बाय बाय अभी सूरज इधर भाई सूरज बढ़िया हाँ तुम कहाँ जाना हेलो हेलो हमारे भांजराम हेलो प्रणाम जी अभी मैं बैठ रखा हूँ दादी के साथ दुकान पे दादी खिला रही मुझे पोलो ऐसी दादी का मिला चले गाइस आज पहली बार मेरा भाई मेरे लिए कुछ अच्छी चीज आया वो भी जलेबी पहली बार बहुत ही मजा आ रहा है मजा आ गया पहली बार इसने अच्छा काम किया भाई ये देख लो इतनी सारी जलेबी वो भी मेरे लिए वाह जी वाह आज तो मजा आ गया जी जलेबी खा लेता हूँ और मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद है भाई क्या ही बताऊं मजा आ गया जो देख लो इतनी सारी जलेबी और सीधे भाई हमारी अब खाना खाने की तैयारी जी मैं अपने किचन में पहुंच चुका हूं और इधर है सोनाक्षी इधर है आज पापा जी और इधर है माँ जी इधर है अनु भाई और इधर है भुला साहिल और इधर है हमारे मामा जी और बाकी आज खाने की बात करें खाने में आज भाई रोटी और इधर सब्जी का एक ही फ्राइज बीन और आलू की सब्जी तो चले जी हम भी खाना खा लेते हैं और मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद चले जी हमारा खाना भी हो गया है बाकी के लोग अभी खा रहे हैं सोनाक्षी ने और मैंने तो खा लिया तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करता हूँ समाप्त आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय जय हिंद जय भारत और जय देवभूमि उत्तराखंड जय श्री राम।